देखो बैंड भाई आप देख लो पहले लगाते हैं करके, पहले कौन सा ट्राई करोगे? पहले ये ऐसा निकलेगा, अभी बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा इसका, आप देखो भाई मैट फिनिश बुलबुल का बच्चा और इसका। जिन लोगों को गली मोहल्ले में गदर करना हो ना तो दूसरा साउंड लगवा लें ऑस्टिन रेसिंग, तो वो यही है अपना। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ले आओ के अंदर, इनका नाम है राजू भाई, गलत कह दिया गलत, सॉरी, इनका नाम है सिकंदर भाई, मैं हूं राजू भाई। इस समय हम शॉप के बाहर एसकेडी का आप देख सकते हो बोर्ड, और गाइस जो वीडियो में काफ़ी यूनिक है, क्या है आज की वीडियो में? आज की वीडियो में मैंने हमारा है हैंडमेड बैंड पाइप और विद एग्जॉस्ट, किसका नाम है तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जॉस्ट का साउंड ट्राई कराऊंगा, लीड लगा लेना, हेडफोन लगा लेना और दिखाता हूँ आपको बैंड पाइप कैसा है। पहले ये दिखाओगे बिना एग्जॉस्ट के कैसी साउंड आती है? देखो बैंड पाइप आप देख लो पहले, ये जो बैंड पाइप है ना भाई, एक तो उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी है और इसका जो अगर बात करूँ साइजिंग की तो काफ़ी उससे ज़्यादा जो है बल्की भी है, और स्टेनलेस स्टील में अगर इस पर जो भी एग्जॉस्ट लगेगा साउंड भी अच्छा क्रिएट करेगा, तो लगाते हैं करके। पहले कौन सा ट्राई करोगे? पहले ये ऐसा एससी का जो है एग्जॉस्ट यहाँ पर ट्राई करा रहे हैं। तो ये जो है ये सुना आपने एससी पीरियड का, अब दोबारा से एससी लगा रहे हैं लेकिन लॉन्ग में, वो शॉर्ट में था लॉन्ग विद डीपी क्लच, इसमें डीपी क्लच विदाउट डीपी दोनों ऑप्शन मिल जाता है आपको। अभी बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा इसका, आप देखो तो जी अभी आपने सुना यहाँ पर एससी शॉर्ट एंड लॉन्ग डीबी कलर ने विदाउट डीबी कलर एक्रो पब्लिक का है और कारन फिनिश के साथ है, फुल कारन फिनिश है और इसमें भी डीबी कलर लगा हुआ है, लेकिन डीबी कलर हटा के सुनाएंगे तभी जो है अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। ये कह रहा है मेरा डिसीजन है, पहुंचूंगा पहले देख लो यार फिर उसका बताऊंगा, क्योंकि देखने के बाद जो ज्यादा मजा आएगा ना ऐसे बताने में नहीं आएगा। ल्यूवेंस बैंड पाइप से मैच, दिखाना जरा जी, अब लाए हैं बुलबुल का बच्चा निकाल कर, देखते हैं भाई मैट फिनिश बुलबुल का बच्चा और इसका साउंड देख रहा हूं कैन है ये, लगाना जरा भाई रेडबुल, रेड बुल का भी साउंड सुन लेते कैसा है, ऑस्टिन रेसिंग नाम है इसका स्पेसिफिक। जिन लोगों को गली मोहल्ले में गदर करना हो ना तो दूसरा साउंड लगवा लें ऑस्टिन रेसिंग, तो वो यही है अपना रेड बुल ऑस्टिन रेसिंग, कलर्स कलर्स में सारे मिल जाएंगे। दूसरा ऑस्टिन रेसिंग है, इसका भी सुन लो साउंड कैसा है, बहुत सारी प्रजातियां पर ऑस्टिन, उससे भी एक नंबर आ गए ये तो यार, इसका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है भाई, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके का साउंड चाहिए, बाकी आप मुझे बताते रहोगे आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, और अभी आपको इतना परेशान करते हैं कि आप कहोगे बाकी मैं बस करो। ये कौन सा है जी? ये एक्रोपॉबिक और मेरे का डबल बैरल है, डबल बैरल एक्रोपॉबिक, चलो जी नेक्स्ट पुस्ती पम्प वालों के लिए एक्रोपॉबिक, दोबारा से रैम्बो, आइडल साउंड तो उसका भी काफी ज्यादा बेस में, आइडल 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 में सुना दो, जैसे स्टार्ट करोगे ना आप स्कूटी को तो कुछ इस तरीके का साउंड आएगा, रेस
कितने बाद पता ही है फिर आपको, फुल गदर है। अच्छा ये अगला R1M निकालो भाई, दूसरा वाला R1M लेके आओ, लेकर R1M ये डबल बैरल में है, इसको भी सुन लेते हैं कैसा है एक बार। ये भी डबल बैरल में है, काफ़ी ज़्यादा हैवी साइज है इसका, ये स्कूटी के हिसाब से। इसका बहुत कम है, जिन लोगों को एक नाम के लिए चाहिए ना, क्योंकि हमने एग्जॉस्ट लगा रखा है तो वो ये लगवा लेना। ठीक है एम लेके आओ भाई। अब कौन सा रह गया? तो यहाँ पर एग्जॉस्ट एक और आ गया R1M वाला, और इसको निकालना जरा एक बार। इसका जो भाई डिज़ाइन है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा बल्की है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बाइक चाहे कोई भी हो, स्कूटी चाहे कोई भी, इसका जो साउंड आता है वो काफ़ी ज़्यादा बेस में रहता है। डिज़ाइन ही देखो उसकी पहले आप, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। देख रहे हो डिज़ाइन, पैसे में वापस करूँगा। लो लगाना जरा इसको, डिज़ाइन तो इसका जो है वो तो है, साउंड सुनते हैं कैसा इसका। इसमें डीपी कलर नहीं आता है, फ्री फ्लो आता है, लेकिन साउंड इसका बहुत अच्छा होता है। साउंड उसका बहुत अच्छा था, और जिन लोगों को ये डिसेंट साउंड चाहिए ना, ना कम ना ज़्यादा बेस वाला, तो वो ये लगा सकते हैं। अब लगाने जा रहे हैं R9 का, और R9 जो है वो अपने आप में भाई डिज़ाइन छोड़ो, आवाज़ बहुत अच्छी होती है इसकी। स्कूटी पे तो जो है वो है, लेकिन ये है कि बाइक पे अगर लगाओगे ना, बहुत ज़्यादा साउंड आता है इसका। पहली बार देख रहा हूँ मैं स्कूटी पे, इस पर इतना जो है ठीक ठाक है, मतलब ना कम ना ज़्यादा। बाकी SC जो है इसके लिए लेजेंड रहेगा। पर्सनली हमें मज़ा नहीं आया, जो SC है ना वो स्कूटी के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त होता है भाई। SC प्रोजेक्ट, चाहे आप शॉर्ट लो या फिर लॉन्ग लो, डीजी ग्रैंड विदाउट डीजी ग्रैंड, दैट्स योर चॉइस। MT में जो लगवाया था वो वाला है। अब कौन सा लगाने जा रहे हो? तो अभी तक गाइस आपको काफी सारे सुना दिए, जैसे कि एक्रा पब्लिक हो गया, डबल बैरल हो गया, R9 एक्रा पब्लिक, ल्यू बेंस, SC, इसके अलावा अगेन एक्रा पब्लिक, तो ये सब ट्राई करा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर एक एग्जॉस्ट और रह गया है जो कि काफी ज्यादा डिमांड में रहता है, और वो है एक्रा पब्लिक। साउंड अच्छी आने वाली है, और इस पर एक बार सुन लेते हैं कैसा है। मैट फिनिश, डीपी कलर एंड विदाउट डीपी कलर। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसका डीपी कलर खोल के डायरेक्ट विदाउट डीपी कलर सुनाते हैं, तभी पता चलेगा कि इसका साउंड क्या है। बाकी डीपी कलर लगा के तो सब जानते हैं आवाज़ कम हो ही जाता है फाइनली। तो एक बार डीपी कलर निकाल लेते हैं इसका। डीपी कलर कुछ इस तरीके का होता है, देखो एक LNK का बोर्ड लगा होता है इसमें, बैग में डालो। अभी रहना तो पहले इसको लगा लो, और बैंड पर भी यार देख सकते हो आप भाई, जो साउंड अगर कुछ आप सुन रहे हो ना, जो बेटर साउंड सुन रहे हो, वो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर बैंड पाइप बना रखा है। वरना अगर आप कटिंग करवा के लगा देना, देख तो स्कूटी की जो गारंटी वारंटी की प्रॉब्लम रहती है खत्म हो जाती है कटिंग करवाने के बाद। अब आप चाहो तो दोबारा लगा सकते हो, इसका जो जेन्युइन है वो निकाल के रखा है, वो जब मर्जी लग जाएगा वहाँ से बिल्कुल जड़ से निकल जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है अपने आप में। तो यहाँ पर इसका निकाल रहे हैं, निकल गया बहुत मेहनत करने के बाद। चलो जी अब सुनते इसका साउंड। चलो चलो इसमें डीबी कलर भी है, बाकी SC का भी अच्छा था। SC में बेस ज्यादा है, जिन लोगों को बेस चाहिए वो लगा सकते हैं ये SC का कोई भी। बाकी एक बार SC भी लगा के देख लो कंपैरिजन के लिए। ना वो लगा लॉन्ग वाला डीबी। तो ये विदाउट डीबी कलर है, इसका भी सुन लो। भाई यही जबरदस्त साउंड आ रहा है इसमें, तो फाइनल। बाकी जिन्हें कम करना कर दिया फाइनल, तो फाइनली SC प्रोडक्ट जो है फाइनल कर दिया है। और आप लोगों को अगर और भी किसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो एंटोर्क के अलावा, तो वो भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। बाकी एंटोर्क में इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें करा सकते हो, सब वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है SKD वैगन चैनल पर, जाके चेकआउट करना। एग्जॉस्ट किसी भी स्कूटी में लगवा सकते हो इस तरीके की, जरूरी नहीं है। जिन बाइक के जिन जो है स्कूटी के बैंड पाइप नहीं बने अभी तक, वो यहाँ बन जाते हैं। ये भी हैंडमेड तैयार किया गया, और बहुत से लोग कुरियर कराना चाहते हैं तो बैंड पाइप कुरियर नहीं होता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ कि बैंड पाइप बनाना पड़ता है, बनाने के 2-2.5 घंटे लगते हैं। जैसे कि हमारे भाई साहब आए थे।